हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बीस्ट में फिर से आपका स्वागत है। आइए, मैं एक्सटेंशन बोर्ड की डायग्राम बता रहा हूँ, कनेक्शन की कैसे की जाती है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में चार स्विच का इंडक्शन बोर्ड है और एक स्विच से कंट्रोल होगी। इस बोर्ड का कनेक्शन कैसे की जाती है हम डायग्राम खींच कर आपको बता रहे हैं, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ लगा आता रहता हूं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये सॉकेट पॉइंट है। इसमें एल पॉइंट ये है और एन पॉइंट ये है, और रहने के लिए लाइन पॉइंट तो दाहिने रहता है, लेकिन मैंने इस बोर्ड को पलट दिया है, जिसके पीछे वाले हिस्से को मैंने ऊपर कर दिया है, तो इसलिए ये लाइन पॉइंट बाएँ हो जाएगी और एन पॉइंट दाहिने हो जाएगी। इसको सीधा रखेंगे तो ये लाइन पॉइंट दाहिने रहेगी और एन पॉइंट बाएं रहेगी। तो आइए, इस बोर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें जितने न्यूट्रल पॉइंट है उसको कनेक्ट कर देते हैं। जैसे न्यूट्रल पॉइंट को, हर एक एन पॉइंट को, ये न्यूट्रल पॉइंट है, हर एक एन पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं काला कलर का स्केच पेन यूज कर रहा हूँ। वायर किसी भी कलर का भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि वायर ब्लैक लगाइए या रेड लगाइए, या जो भी कलर उपलब्ध हो आपके पास उसको लगा सकते हैं। तो इसलिए इसको मैं न्यूट्रल का संकेत काले स्केच से बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो इसको जितने न्यूट्रल पॉइंट है इस सबको आप कॉन्टेक्ट कर, एन पॉइंट को कॉन्टेक्ट कर लीजिए। इसमें से ये हो गया, इसमें से ये हो गया, और इसमें से ये हो गया। अब रह गया फेज पॉइंट। तो फेज पॉइंट के लिए मैं लाल रंग का स्केच प्रयोग कर रहा हूँ। आप वायर किसी भी रंग का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई बाण नहीं है। तो इन ये चारों सॉकेट का न्यूट्रल पॉइंट एक दूसरे से शॉर्ट हो गया। अब इसके लिए सप्लाई कहीं से भी आप इसको न्यूट्रल पॉइंट में आप दे सकते हैं। तो इसको न्यूट्रल पॉइंट को शॉर्ट करके और ऊपर से हम सप्लाई, न्यूट्रल सप्लाई हम एक जगह न्यूट्रल में दे दिए। ये हो गया आपका न्यूट्रल यानी एन। अब इसको मैं फेज की सप्लाई दूंगा इसमें। तो कभी भी फेज वाली सप्लाई स्विच में ही आती है। जो स्विच किनारे दिख रहा है आपको, ये स्विच है। इस पर मैं लिख भी दिया हूँ स्विच। तो न्यूट्रल पॉइंट आ गया न्यूट्रल में ब्लैक स्केच द्वारा। अब मैं फेज के लिए लाल रंग का स्केच प्रयोग कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसको सप्लाई को यहीं से लेते हैं और फिर लाते हैं यहाँ पे। ये सप्लाई आएगी आपका स्विच में, स्विच के निचली पोर्शन में आता है। ये जो रेड कलर की स्केच पेन दिख रहा है, ये फेज की सप्लाई है, यानी फेज मतलब लाइन की सप्लाई। इसको ये लिख दे रहा हूँ, या लाइन है ये। तो ये सप्लाई स्विच में आ जाएगी और इस स्विच के थ्रू सारे एल पॉइंटों में जाएगी। देखिए, ये स्विच के थ्रू इसमें से इस एल पॉइंट में जाएगी और फिर इसमें से इस एल पॉइंट में जाएगी, फिर इसी में से इस एल पॉइंट में जाएगी, फिर यहीं से इस एल पॉइंट में जाएगी। इसमें ये काम कैसे करेगी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे ये न्यूट्रल लाइन है, ये फेज लाइन है, ये दो लाइनें हैं। जो न्यूट्रल का लाइन में ब्लैक स्केच पेन से दिया हूँ और फेज वाली लाल स्केच पेन से दिया हूँ। तो इसमें क्या है कि न्यूट्रल डायरेक्ट सभी सॉकेटों में मिल रही है, इसमें 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 मिलती जा रही है, और फेज स्विच के थ्रू इसमें मिल रहे हैं। जैसे स्विच ऑन होगा तो ये दोनों पॉइंट शॉर्ट करेंगे। जब शॉर्ट करेंगे तो यहाँ लाइन की सप्लाई है, इसमें जब जैसे शॉर्ट होगा तो यहाँ चला जाएगा लाइन की सप्लाई। इसके थ्रू इस लाइन में आएगा, फिर इस लाइन में आएगा, फिर इस लाइन में आएगा, फिर इसमें चारों सॉकेट के एल पॉइंट में इसके थ्रू लाइन जाता रहेगा। तो ये रहा डायग्राम एक्सटेंशन बोर्ड का। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।